हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की फिल्म हाउसफुल फॉर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर रही है। जहां दोस्तों इस फिल्म को क्रिटिक्स ने काफी सारे नेगेटिव रिव्यूज दिए थे, उसके बाद भी दोस्तों पब्लिक की फर्स्ट चॉइस यहाँ पर हाउसफुल 4 ही है, जिसने की इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने 7 दिनों में कई सारे रिकॉर्ड बना दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की मच अवेटेड फिल्म हाउसफुल 4 के 7 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाउसफुल 4 जो कि रीइनकॉर्नेशन के ऊपर बनाई गई कॉमेडी फिल्म है, इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको अक्षय कुमार के साथ रितेश देशमुख और बॉबी देओल नजर आए हैं। वहीं दोस्तों उनका साथ दिया है कृति सनन, पूजा हेगड़े और कीर्ति खरबंदा ने। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 3900 स्क्रीन्स पर 25 अक्टूबर के दिन रिलीज किया गया था और अपने पहले ही दिन से दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई कर रही थी। और जहां इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 19 करोड़ 8 लाख रुपए की कमाई की थी, जो कि एक तरह से प्री दिवाली में सबसे बड़ा कलेक्शन था और क्रिस 3 को पीछे करते हुए यह फिल्म बॉलीवुड हिस्ट्री में प्री दिवाली में सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन चुकी थी। वहीं दोस्तों सेकंड डे में इस फिल्म ने कमाया 18 करोड़ 81 लाख रुपए और अपने थर्ड डे यानी कि दिवाली पूजा वाले दिन इस फिल्म ने कमाया 15 करोड़ 33 लाख रुपए। दोस्तों इस फिल्म का कलेक्शन अपने शुरुआती दिनों में थोड़ा कम रहा, इस कारण से दोस्तों क्रिटिक्स ने इस फिल्म को फ्लॉप बता दिया था। लेकिन जैसे ही दोस्तों इस फिल्म को फोर्थ डे लगा, फोर्थ डे में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और कमाई 34 करोड़ 56 लाख रुपए। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सभी क्रिटिक्स का मुंह बंद करा चुकी थी और बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित होने वाली थी। वहीं दोस्तों पांचवे दिन भी इस फिल्म का कलेक्शन काफी अच्छा रहा और भाई दूज की छुट्टी होने के कारण इस फिल्म ने अपने पांचवे दिन कमाया 24 करोड़ 4 लाख रुपए। वहीं अगर बात करें छठे दिन की, तो दोस्तों छठे दिन तो एक नॉर्मल वर्किंग डे था और अगर दोस्तों ऑडियंस को यह फिल्म पसंद नहीं आती तो अपने छठे दिन दोस्तों ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कैसे कर सकती थी। और बता दें आपको दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने छठे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और कमाया है 16 करोड़ 80 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन था वो अपने 6 दिनों का हो चुका था 128 करोड़ 60 लाख रुपए का। बताते चले दोस्तों आपको कि सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की इस फिल्म को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। फैमिली ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म को काफी एंजॉय कर रही है क्योंकि ये काफी अच्छी कॉमेडी फिल्म है जिसमें सुपरस्टार अक्षय कुमार एक बार फिर से कॉमेडी जोनर में नजर आए हैं। अगर बात की जाए इस फिल्म के सातवें दिन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि आज भी इस फिल्म की जो एडवांस मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो रही है 15 से 18% की, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी दोस्तों इस फिल्म की दिखा रही है 25 से 28% की। वहीं दोस्तों इस फिल्म की जो इवनिंग ऑक्यूपेंसी है वो एक बार फिर से काफी शानदार नजर आ रही है। और दोस्तों गुजरात और मुंबई सर्किट से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म की जो आज की टोटल ऑक्यूपेंसी है उस हिसाब से ये फिल्म आज अपने सातवें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 12 से 13 करोड़ की कमाई कर रही है। इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन होगा वो हो चुका होगा 140 करोड़ रुपए का। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने प्री दिवाली में रिलीज होने वाली आज तक की सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ तक कि दोस्तों अक्षय कुमार सर की पिछली फिल्म मिशन मंगल, जिसने की अपने फर्स्ट वीक में 138 करोड़ की कमाई की थी, उसे भी पीछे कर दिया है। इसी के साथ सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो एक हिट ट्रेंड कर रही है। वहीं दोस्तों बात करें वर्ल्ड वाइड की, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी यह फिल्म आज 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। इसी के साथ सुपरस्टार अक्षय कुमार के फैंस जो कि काफी ज्यादा नाराज हो चुके थे क्रिटिक्स की नेगेटिविटी के बाद, अब दोस्तों उन सभी को खुश हो जाना चाहिए क्योंकि अक्षय कुमार सर की यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ अपने 7 ही दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। वही दोस्तों अब यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली है और जिस तरह का ट्रेंड दोस्तों ये फिल्म अभी कर रही है उस हिसाब से ये फिल्म इस साल की 3rd highest ग्रोसर फिल्म बनने वाली है और लगभग 250 करोड़ की कमाई आसानी से करने वाली है। आपको दोस्तों क्या लगता है सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने रिकॉर्ड बना पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड की न्यूज मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।